Dsssb PRT का syllabus discussion, okay? तो चलिए start करते हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को subscribe करें, bell icon को दबाएं ताकि आपको new notifications मिल सके. Okay? तो चलिए start करते हैं. सबसे पहले हमारा जो PRT का syllabus है वो है total 200 marks का. ठीक है? जो exam होगा वो 200 marks का होगा. दो parts में divide होगा ये, part A and part B. पार्ट ए में हमारे पांच सब्जेक्ट्स आते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग और जीके. ठीक है? अब ये पांचों पोर्शन हमारे डिवाइड किए गए हैं 20-20 मार्क्स में. तो 20 × 5 ये हो गया हमारा 100 मार्क्स का. ओके, पार्ट बी हमारा होगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक. ओके, और इसमें से अब अगर बात करें टीजीटी की, तो टीजीटी में भी कुछ 20 के आसपास 20% साइको और पेडागोजी को रखा गया है, जो कि आपने अपने बीएड करते टाइम पढ़ा था. ठीक है फ्रेंड्स, पार्ट बी में हमारे साइकोलॉजी से लगभग 30% एंड पेडागोजी से 70% के आसपास जो सिलेबस होगा वो डिसाइड किया गया. ठीक है, ये सब्जेक्ट कंसर्न रखा गया है उन्होंने, डीएससीबी वालों ने. अब हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि साइकोलॉजी के और पेडागोजी के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स आते हैं. ठीक है, पहला है हमारा साइकोलॉजी. हम मेन फोकस साइको पे रखेंगे, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और वन लाइनर क्वेश्चंस भी अपने क्लासेस में चैप्टर वाइज हम करते जाएंगे. तो बाद में एक क्लास एमसीक्यूज की या फिर वन लाइनर क्वेश्चंस की होगी. ओके, फिर आता है हमारा एजुकेशन. एजुकेशन, फिलोसफी, रिसर्च एंड करिकुलम, इनमें से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं. उसके बाद आता है हमारा स्कूल मैनेजमेंट, एनसीएफ 2005 और आरटीई यानी कि राइट टू एजुकेशन 2009. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. ठीक है फ्रेंड्स, हम इनको भी लेकर चलेंगे अपनी क्लासेस में. नेक्स्ट है हमारा गाइडेंस एंड काउंसलिंग. तो बात की अब हमने सिलेबस की और एक्सप्लेनेशन की कि टॉपिक्स क्या क्या रहेंगे. टॉपिक्स का मतलब है टॉपिक्स तो इनके अंदर आएंगे, सिलेबस के अंदर जो सब्जेक्ट रखे गए हैं. ओके, मोटे तौर पर उनकी हमने चर्चा कर ली है. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की. आप जोरों से तैयारी कर रहे हैं लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन मार्क्स क्या हैं. तो जनरल के लिए जो क्वालिफिकेशन मिनिमम मार्क्स रखे गए हैं वो रखे गए हैं 40 और 40. यहाँ पर 40-40 दो जगह क्यों रखा गया, क्योंकि हमारा जो पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड है और इस बार DSSB ने, जो बोर्ड है दिल्ली सबॉर्डिनेट, डिसाइड किया है कि आपको पार्ट ए में इंडिविजुअली यानी कि अलग से पास होना जरूरी है, वहीं पार्ट बी में भी आपको अलग से पास होना जरूरी है. और वो एक क्राइटेरिया रख दिया गया है जिसमें 40 मार्क्स आपको पार्ट ए में लाने होंगे और 40 मार्क्स पार्ट बी में लाने होंगे, जो कि जनरल के लिए इन्होंने डिसाइड किया है. इट मीन्स 100 में से 40 और 100 में से 40 ये सिर्फ पासिंग मार्क्स है. जैसे एक स्कूल में आपके लिए 33% रखा जाता है, उसी तरह से इन्होंने अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में रख दिया है 40% फॉर जनरल. ठीक है, जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये है. अगला बात करते हैं ओबीसी की. जो अदर बैकवर्ड कास्ट से हैं, क्लास से हैं, उन लोगों के लिए इन्होंने क्राइटेरिया रखा है, वो रखा है 35 मार्क्स. यानी कि जहां जनरल वालों को 40 मार्क्स लेकर आने हैं, वहीं ओबीसी वालों को यहां पर 35 मार्क्स लाने जरूरी हैं, पार्ट ए में भी और पार्ट बी में भी. नेक्स्ट बात करते हैं रिजर्व कैटेगरी, फिर से एससी और एसटी. इन लोगों के लिए इन्होंने स्कूल में जो मार्क्स रखे गए हैं 33% उससे भी कम लिया है इन लोगों ने. ओके, हमें 10th में 12th में या फिर कहे फर्स्ट क्लास से लेकर और सीनियर सेकेंडरी तक 33% चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए कि कॉम्पिटिटिव में आकर इनको सिर्फ 30% मार्क्स चाहिए. ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, कट ऑफ इससे ये जरूरी नहीं है कि आपके इतने मार्क्स आ गए और आपकी जॉब पक्की है. नहीं, जॉब का डिसीजन होगा आपकी कट ऑफ बेस पर. वो 120 भी जा सकती है, वो 150 भी जा सकती है, डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स ने कैसा रिस्पॉन्स दिया है और कितने कैंडिडेट्स कितने हाई मार्क्स पर पहुंचे हैं. ओके फ्रेंड्स, तो हमने सिलेबस डिस्कशन कर लिया है और कट ऑफ के बारे में बात कर दी गई है कि क्या क्या आपने
कहाँ तक क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप मान के चलिए कि 80 मार्क्स तो आपको सिर्फ और सिर्फ एंट्री के लिए चाहिए कि भाई आप पास हैं। उसके अलावा अगर आपको सिक्योर रिजल्ट चाहिए तो 150 या 120 का टारगेट लेकर चलिए अपना। ओके फ्रेंड्स, तो हम अपना अब स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम साइकोलॉजी करेंगे जिसमें हम इंट्रोडक्शन इसका देखेंगे। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं अपनी क्लास जो कि है साइकोलॉजी इंट्रोडक्शन। ओके, यहाँ पर हम सबसे पहले सामान्य जो अर्थ है साइकोलॉजी का, मनोविज्ञान का, वो समझते हैं। साइकोलॉजी जो शब्द है वो एक लैटिन शब्द है। ओके, लैटिन भाषा का शब्द है और ये इसका चिन्ह या साइन है इस तरह से। ठीक है, कई बार एग्जाम में साइन देकर भी पूछ लिया जाएगा कि मनोविज्ञान को किस साइन से डिनोटेड किया जाता है। ओके, अब देखते हैं कि साइकोलॉजी जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। लैटिन वर्ड है, यूनानी शब्द है, ग्रीक भाषा से शब्द ये आया है, और साइके प्लस लोगोस यानी कि दो शब्दों के मेल से बना है। पहला है साइके, दूसरा है लोगोस। साइके का अर्थ होता है आत्मा, ये हमारा सामान्य अर्थ है आत्मा। लोगोस का अर्थ होता है साइंस, विज्ञान या फिर स्टडी और अध्ययन। ठीक है, अगर इसको जोड़कर देखें तो जो हमारा अर्थ बना वो बना आत्मा का अध्ययन, आत्मा का विज्ञान या फिर आत्मा का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोल और साइंस ऑफ सोल। ओके, अब बात करें किस तरह से समय अनुसार इसके अर्थ में परिवर्तन होता चला गया वो देखते हैं। सबसे पहले मनोविज्ञान शब्द 16वीं शताब्दी में आया और इस शब्द का जो प्रयोग करने वाले थे वो थे हमारे रुडोल्फ गोइकिल। ओके, रुडोल्फ गोइकिल सबसे पहले इन्होंने साइकोलॉजिया नामक पुस्तक में, ठीक है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद ये जो मनोविज्ञान शब्द है वो आता चला गया और एक अलग सब्जेक्ट भी बन गया, क्योंकि इसके महत्व को साइकोलॉजिस्ट ने जाना और उसको एक अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया। क्योंकि जो मनोविज्ञान है वो पहले दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था, यानी कि फिलोसफी का एक पार्ट है साइकोलॉजी पहले था, अब इसको एक अलग विषय के रूप में प्रस्तुत किया जाने लगा है और इसका बहुत ही विस्तार हो चुका है। अब देखिए 16वीं शताब्दी में जो इसका सामान्य अर्थ माना जाता था वो माना जाता था आत्मा का विज्ञान, यानी कि साइंस और स्टडी ऑफ सोल। और इसके जो समर्थक हैं वो मुख्यतः अरस्तु और प्लेटो आते हैं। ठीक है, इसके बाद अगले 17वीं सेंचुरी में 17वीं शताब्दी में पंपोनोजी नामक एक मनोविज्ञानिक रहे हैं जिन्होंने अपनी पुस्तक में कहा कि जो मनोविज्ञान है वो आत्मा का नहीं बल्कि मन का विज्ञान इन्होंने माना। इसकी शॉर्ट ट्रिक आप ले सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि मन का विज्ञान किसके किसने माना है मनोविज्ञान को, तो आप इसको पंपोनोजी कैसे करेंगे। पंप का संबंध मन से है, ठीक है, मन क्या होता है हार्ट, तो मन क्या करता है पंप करता है हार्ट, तो इस तरह से आप जोड़कर इसको याद कर सकते हैं कि मन का संबंध पंप यानी कि पंपोनोजी से। तो 17वीं शताब्दी में हमने बात की इसको आत्मा के बाद मन का विज्ञान माना गया। क्यों? क्योंकि इन्होंने माना कि जो आत्मा है उसका कोई अस्तित्व नहीं है, ना तो उसको देखा जा सकता है ना उसको सुना जा सकता है। इस तरह से कि जब हम उस चीज को देख ही नहीं सकते, उसका कोई वैज्ञानिक आधार ही नहीं है, तो फिर क्योंकि ये मनोविज्ञान एक वैज्ञानिक जो विषय है वो विज्ञान के आधार पर ही उसको रखना चाहिए, तो इस तरह से इसको रिजेक्ट कर दिया गया और मन को इसका अध्ययन माना गया, इसको मन का अध्ययन माना गया। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक आए जिनमें मुख्य नाम है विलियम वुंट का, जो कि संरचनावादी रहे हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो मनोविज्ञान है वो ना आत्मा का विज्ञान है ना मन का विज्ञान है बल्कि चेतना का विज्ञान इन्होंने माना। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान
19वीं शताब्दी तक पहुंचते पहुंचते जो मनोविज्ञान था वो चेतना का विज्ञान बन गया, ठीक है, और संरचनावादियों ने इसको चेतना का विज्ञान कहा। फिर हमारे कुछ और साइकोलॉजिस्ट आए जिन्होंने अपनी स्टडी के बेस पर कहा कि जो मनोविज्ञान है वो ना तो आत्मा का, ना मन का, ना ही चेतना का, बल्कि व्यवहार का विज्ञान है। ये हमारे 20वीं शताब्दी में माना गया, ठीक है। इसके जो समर्थक रहे, मुख्य नाम वो जे बी वॉटसन का है, वो व्यवहारवादी साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने अपनी, उनकी बुक का नाम काफी इम्पोर्टेंट है, आउटलाइन साइकोलॉजी, पेज नंबर 16 में इन्होंने कहा था कि जो चेतना शब्द है वो व्यर्थ है, ठीक है। वॉटसन ने अपनी पुस्तक आउटलाइन साइकोलॉजी में चेतना शब्द को व्यर्थ कहा। अब बात करते हैं कि इसमें स्टडी किस चीज की जाती है, व्यवहार में। व्यवहार के अंतर्गत क्या क्या आता है? व्यवहार के अंतर्गत आता है 3 W, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। यानी कि हम तीन कह के बात करते हैं, क्या, क्यों और कैसे। जब हम किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करते हैं तो हम इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, इन तीन बातों के आधार पर उसका अध्ययन करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। एक कोटेशन है वॉटसन की, इन्होंने ही काफी फेमस है, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है कि आप मुझे एक दर्जन बच्चे दीजिए और आप जैसा चाहो मैं उसको वैसा ही बना दूंगा। तो ये कथन किसका है? ये कथन है वॉटसन का, और इनका जो विश्वास है वो है व्यवहार पर, ठीक है, व्यवहार पर बिलीव करते हैं ये। यानी कि वो कहते हैं कि बच्चों को मैं अपने अनुसार ढाल सकता हूँ, अपने अनुसार जैसा कहोगे, चोर, डाकू, जर्नलिस्ट या फिर एक जेंटलमैन, जिस तरह से कहोगे मैं उसको उसी तरह से ढाल सकता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है वुडवर्थ, ये भी व्यवहारवादी रहे हैं, ठीक है। इन्होंने कहा है कि मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, यानी कि सबसे पहले इन्होंने आत्मा को त्यागा, फिर मन को, उसके बाद मन को, और चेतना का त्याग करके फिर इसने चेतना का भी त्याग कर दिया, और अब क्या है, अब ये व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मनोविज्ञान जो है अब व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। दो मुख्य बातें, फादर ऑफ साइकोलॉजी, तो फादर ऑफ साइकोलॉजी हमारे आते हैं विलियम वुड, ठीक है फ्रेंड्स, और मदर ऑफ साइकोलॉजी हमारी है दर्शन शास्त्र या फिर फिलोसोफी, ओके, फिलोसोफी, ये मदर के रूप में जानी जाती है क्योंकि पहले इसी का पार्ट था, अब अलग सब्जेक्ट बन गया है मनोविज्ञान। और फादर ऑफ विलियम वुड को इसलिए कहा जाता है फादर ऑफ साइकोलॉजी क्योंकि इन्होंने सबसे पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई थी। फ्रेंड्स मैं इसको आधा अधूरा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपकी समझ तो आ जाएगा लेकिन जल्दी ही खत्म भी हो जाएगा ये, ठीक है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला बनाई कहाँ पर? जर्मनी लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में, ठीक है, जिसको अब कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी के नाम से भी जाना जाता है, ओके, कहाँ है ये? जर्मनी में। और कब बनाई थी? 1879 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी वजह से इनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी माना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, काफी इम्पोर्टेंट है ये जो टर्म्स मैंने करवाई हैं, कुछ डेफिनेशंस, पुस्तक का नाम, और इसमें से मान के चलिए 2 to 3 मार्क्स का एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है। नेक्स्ट हम करेंगे मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं, और एक बात और कि सीक्वेंस भी आ जाता है कि मनोविज्ञान को सबसे पहले किस रूप में जाना जाता था। देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का सामान्य अर्थ क्या है, या फिर मनोविज्ञान का सीधा पूछ लिया कि मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, साइकोलॉजी शब्द का अर्थ क्या है, तो आप कहेंगे आत्मा का विज्ञान। अगर पूछा जाए कि मनोविज्ञान को अब वर्तमान की अगर पूछते हैं तो बताया जाएगा वर्तमान में क्या अर्थ लिया जाता है मनोविज्ञान से, तो वो है हमारा, उसका आंसर होगा व्यवहार का विज्ञान। थैंक यू फ्रेंड्स एंड ऑल द बेस्ट।